हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, इसका फोकस कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में सीख चुके हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अपर्चर क्या है, पोल क्या है, उसका सेंटर क्या है। तो हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर कि किसी मिरर से इमेज कैसे बनाते हैं। तो पहले समझते हैं कि इमेज होती क्या है। अब उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम लोगों ने बोला कि हम लोगों के पास एक ट्री है, ये ट्री एक रियल ऑब्जेक्ट है। दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ट्री हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट। अब किसी भी चीज को हम देखते हैं तो किसकी हेल्प से देखते हैं? लाइट की हेल्प से देखते हैं। तो ये हमें तब दिखाई देगा जब यहां पे कोई लाइट होगी, सनलाइट हो या एलईडी हो या कोई और लाइट हो। तो एक्चुअली लाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी, जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इसके सारे पार्ट से लाइट निकलनी भी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे सपोज मैं बोलता है ट्री का एक पॉइंट ही है, तो ए पॉइंट सभी डायरेक्शंस में अपनी रेज को एमिट करेगा। अगर मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं तो इसका रीजन है कि मेरे ऊपर लाइट पड़ रही, कुछ उसका हो सकता है पार्ट एब्जॉर्ब हो गया और बाकी पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। तो मेरी बॉडी के किसी भी पॉइंट से सभी डायरेक्शंस में लाइट निकल रही होगी और उसी लाइट की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो जैसे मैंने ट्री का सबसे ऊपर वाला पॉइंट लिया ए, तो इस पॉइंट से सभी डायरेक्शंस में लाइट इमिट होगी। तो इस पॉइंट से निकलने वाली रेज को हम लोग ऐसे शो कर लेते हैं, इस तरीके से शो कर लेते हैं। फिर ये रेज हमारी आंखों पर पड़ती, आईज पर, और जिसकी वजह से उसका रेटिना पर इमेज बनता है, उसकी हेल्प से हम ए पॉइंट को देखते हैं। तो जैसे यहां पर एक बी पॉइंट था, तो इस बी पॉइंट ने भी क्या किया होगा? ये भी एक रियल ऑब्जेक्ट है, तो इसने सभी डायरेक्शंस में लाइट को एमिट किया होगा। फिर ये लाइट हमारी आंखों पर पड़ी होगी तो हमें बी पॉइंट दिखाई दिया होगा। इसका मतलब ये जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया था ट्री, ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब है वहां पर बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं। जो मैंने ए लिया था वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये जो बी लिया ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के एक ट्री बना होगा। तो ट्री को हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ऐसे अब समझते हैं कि इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने मिरर लिया या लेंस लिया, आगे लेंस भी पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो इमेज के बनने का मतलब क्या होता है? सपोज मैंने बोला कि इस ए पॉइंट से ये लाइट रेज आ रही थी, ये वाली लाइट रेज। फिर इसके बाद यहां पर हम लोगों ने एक सपोज मिरर रख दिया, ये मिरर रख दिया। अब मिरर क्या करेगा? रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद सपोज रेज कुछ ऐसे चली गई, इस तरीके से, ऐसे। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो दो रेज आ रही वो किसी पॉइंट आई पर जाकर के मिल गई। अब जब आई पर आकर के मिली तो आगे एक चीज और देखना है, ये जो रे आ रही थी ऐसे चली गई और ये वाली रे ऐसे चली गई। तो अगर हम लोग इन दो रेज की बात करें केवल, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रेज कहां से आ रही? आई से आ रही। तो हमें लगेगा कि ये दो रेज जो आ रही हैं वो आई से आ रही। तो हमें अगर इन रेज की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखाई देगी आई पर, जबकि ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल पोजीशन थी वो कहां पर थी? ए पर थी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
इसी को हम लोग बोलते हैं इमेज। एक रियल ऑब्जेक्ट होता है, उससे रेज निकलती, फिर वो रेज किसी मिरर पर पड़ी, मिरर से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद वो रेज जिस पॉइंट से रियली या वर्चुअली आती दिखाई देंगी उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इमेज। और हमारी आई ये परसीव करेगी कि उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है कहां पर, आई पर, जबकि उसकी एक्चुअल पोजीशन कहां पर थी, ए पर थी। अगर मैं मिरर ना रखता और सीधे आंखों से देखता तो मुझे ए की पोजीशन यहां दिखाई देती, लेकिन मिरर रखने के बाद हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट को देखा तो ऐसा लगा कि ये सारी रेज इस आई पॉइंट से आ रही है। यहां पर इमेज बनाने के लिए बहुत सारी रेज हो सकती है, लेकिन कम से कम दो रेज की जरूरत है। अगर इस ए पॉइंट का इमेज आई पर बन रहा है तो इससे जाने वाली जितनी भी रेज है, ये वाली रेज, ये सब रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी इस तरीके से। ये वाली जो रेज आ रही होगी रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना है तो हमें कम से कम कितनी रेज की जरूरत है, दो रेज की जरूरत है। तो फिलहाल मैंने पूरे ट्री का इमेज नहीं बनाया, मैंने इस ट्री में केवल एक पॉइंट लिया था उसका इमेज बनाया। तो अगर बी का इमेज और बना सकते हैं तो उससे आने वाली रेज लेंगे। तो ऐसे ऐसे सारे पॉइंट का इमेज बना देंगे तो हमारे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। फिलहाल हम लोग आज की क्लास में फोकस दें कि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए इमेज कैसे बनाते हैं, कि अगर हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं तो हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर्स थे उन मिरर्स की हेल्प से इमेज कैसे बनाते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट भी समझते चलना, क्योंकि चीजें तब में अच्छे से याद रहती जब हम उनको समझ के पढ़ते हैं। तो जैसे हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर। सबसे पहले बात करेंगे कॉनकेव मिरर की, और इसके बाद डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर चूंकि रेज को कन्वर्ज करता था इसीलिए इसका नाम और भी रख देते हैं, क्या इसका नाम रख देते हैं कन्वर्जिंग मिरर, या तो कॉनकेव मिरर बोल दे या कन्वर्जिंग मिरर बोल दे। तो जो कन्वर्जिंग मिरर था वो कुछ ऐसा था इस तरीके से, जो दबा हुआ हिस्सा था वो कैसा था, रिफ्लेक्टिंग, और जो उभरा हुआ हिस्सा था वो कैसा था, पॉलिश था। तो हम लोगों ने यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस भी डिफाइन करी थी, तो ये सपोज हम लोगों की प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां पर कट कर रही थी इसे हम लोग बोलते थे पोल, और पोल को रिप्रेजेंट करते पी से यूजुअली। अब इसका अपना एक सेंटर एग्जिस्ट करेगा तो वो सेंटर मैंने मान लिया इस जगह पर एग्जिस्ट करेगा, और पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फोकस पोल और सेंटर के बीचों बीच लाई करता है, तो जो इस मिरर का फोकस होगा वो यहां पर लाई करेगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्ट्स की रेज बनाने में हेल्प करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेज एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट से जाती है, एंड दैट पॉइंट इज फोकस। तो हमें एक आइडिया लग गया कि जो रे पैरेलल आएगी उसे हमें कहां से रिफ्लेक्ट करा के भेजना है, फोकस से भेजना है। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट की पोजीशंस के लिए स्पेस है कि मैं कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख सकता हूं। तो सबसे पहले मैं एक रेफरेंस रे बना लेता हूं, और वो रेफरेंस रे है कि जो रे एक्सिस के पैरेलल आ गई वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। हम लोगों ने पढ़ा था कि जितनी भी पैरेलल रेज आती सारी मीट कहां पर करती, फोकस पर। इसका मतलब कोई भी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो हमें जब इमेज फॉर्मेशन करना है तो एक तो इस बात का ख्याल रखना है। तो एक पहला पॉइंट क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट, ये सारे पॉइंट नोट करते जाना। जो फर्स्ट पॉइंट है रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
विल पास थ्रू. फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. जो रे एक्सिस के पैरेलल आएगी रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी. ये तो हम लोगों का हो गया पहला पॉइंट. तो अगर हमें रे डायग्राम बनाना है, इमेज फॉर्मेशन करना है, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए. तो क्या पहला पॉइंट क्लियर होता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, वो कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी. अब और थोड़ी सी बातें देखते हैं. ये तो पहला पॉइंट हो गया. अब डिस्कस करते हैं दूसरा पॉइंट. तो ये हम लोगों का कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस ने मिरर को जहां पर कट कर दिया वो पोजीशन हो गई पोल की. कॉनकेव मिरर है तो जो दबा हुआ हिस्सा है वो रिफ्लेक्टिंग है और जो उभरा हुआ हिस्सा है वो पॉलिश्ड है. इसका अपना कहीं पर सेंटर लाई करेगा. तो सेंटर सपोज यहां पर था और सेंटर और पोल के बीचों बीच लाई करेगा फोकस. इसको एक्चुअली बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस. तो यहां पर लाई करेगा प्रिंसिपल फोकस. तो एक रे का हम लोगों ने डिस्कशन तो कर लिया और वो डिस्कशन था कि जो रे एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी. अब यहां पर एक बात और देख लेते कि अगर कोई रे फोकस से आती, फोकस की तरफ आती ऐसे, तो ये वाली रे एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी. अब ये बात बहुत सिंपली समझी जा सकती है. कैसे? हम लोग अगर मिरर लेते हैं, कोई प्लेन मिरर, और ये इसका नॉर्मल था. एक प्लेन मिरर ले लिया और ये इसका नॉर्मल था. यहां पर हम लोगों ने एक रे इंसिडेंट कराई तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई. सिर्फ एक रूल था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब मैं तुमसे बोलता है कि रे डायग्राम की डायरेक्शन रिवर्स कर दो. मतलब अगर कोई रे ऐसे इंसिडेंट होती तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? थीटा. तो रिफ्लेक्टेड रे होती तो उसका भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता? थीटा. इसका मतलब रिफ्लेक्शन के केस में अगर रे की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो रे डायग्राम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. तो मैंने सिर्फ यहां पर रे डायग्राम की डायरेक्शन को रिवर्स किया है. तो पहले मैंने बोला था कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी. तो यहां पर मैं वाइस वर्सा ये भी बोल सकता हूं कि जो रे फोकस से जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी. तो दोनों बातें एक है कि पैरेलल आने वाली रे फोकस से पास करेगी और जो फोकस की तरफ आएगी रिफ्लेक्शन के बाद वो मूव कर जाएगी. आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी. तो एक अगला पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था, और ये पॉइंट है रे रे फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. रे फ्रॉम फोकस विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. जो रे फोकस से आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी. तो ये दूसरा पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा. अब मूव करते हैं अगले पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट. ये हम लोगों का कॉनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस ने कॉनकेव मिरर को जहां पर कट किया उसे हम लोग बोलते हैं पोल. और यहां पर मान लिया सेंटर, और सेंटर और पोल के बीचों बीच क्या लाई करेगा? प्रिंसिपल फोकस लाई करेगा.
अब एक रे तो पैरेलल वाली समझ में आ गई, एक रे फोकस वाली समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि कोई रे अगर सेंटर से जाएगी, सेंटर के थ्रू मिरर पर पड़ेगी, तो मैंने सपोज मान लिया कि रे ऐसे जा रही थी इस तरीके से, ये इंसिडेंट रे। तो यहां पर मैं अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करता इस जगह पर, तो ये टेंजेंट एक मिरर की तरह बिहेव करता। ये बात हम लोगों ने लेक्चर वन में पढ़ी थी कि किसी कर्व सरफेस पर रिफ्लेक्शन कैसे पता करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स में, कि किसी भी स्फीयर या सर्किल का जो टेंजेंट होता है वो सेंटर से जाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री। तो ये हमारी इंसिडेंट रे थी। ये वाली कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे थी। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही हो गए। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग चली जा रही है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अगर कोई रे खुद नॉर्मल की तरफ चली जा रही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोगों ने डिफाइन किया था, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसी को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन के लिए लॉ क्या है? रिफ्लेक्शन का लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होंगे। इसका मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, दिस मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी, वो भी 0 आएगी। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर 0 आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि रे नॉर्मल के अलोंग वापस आ जाएगी। जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया, एक्चुअली इसी के ऊपर बनाना चाहिए। तो ये कौन सी रे थी? ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी। तो मैं बोल सकता हूं कि जो रे सेंटर से पास करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद भी वो सेंटर से वापस आएगी। तो कह सकता हूं कि रे इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द मिरर विल रिट्रेस इट्स पाथ। मतलब अगर कोई रे सेंटर से पास करती तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस सेंटर से एंटर करेगी। तो हम लोगों ने 3 रेज का डिस्कशन हो गया। एक रे जो पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, एक रे जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, एक रे जो सेंटर से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पर रिपीट कर जाएगी। तो 3 रेज का डिस्कशन हो गया। अब बात करते हैं कि क्या कोई और रेज पॉसिबल है। अब चौथा डिस्कशन करते हैं, फोर्थ पॉइंट। तो ये हम लोगों का कॉन्केव मिरर है, उभरे हुए पार्ट को पॉलिश कर दिया, दबा हुआ पार्ट रिफ्लेक्टिंग है। ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां पर भी कट करेगी इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल, और पोल को रिप्रेजेंट करते पी से। इस मिरर का अपना कोई सेंटर लाई करेगा और वो सेंटर सी से, सेंटर को कभी कभी हम लोग 2F भी लिख देते हैं। और 2F इसलिए लिख देते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फोकल लेंथ की वैल्यू आ रही है F, वो R by 2 के इक्वल है। तो R is equal to 2F। तो पोल से लेकर के सेंटर तक की डिस्टेंस, फोकस तक की डिस्टेंस का डबल, इसीलिए कभी कभी इसको 2F भी बोल दिया जाता है। और सेंटर और पोल के बीचों बीच जो लाई करेगा वो इस मिरर का फोकस लाई करेगा। पैरेलल वाली रे हो गई, फोकस वाली रे हो गई, सेंटर वाली रे हो गई। अब एक रे की कभी कभार और जरूरत पड़ सकती है कि कोई रे अगर सीधे पोल की तरफ आ जाए, मतलब इंसिडेंट रे कुछ ऐसे आ जाए, तो दिस इज अवर इंसिडेंट रे। अब जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो रे डायग्राम बनाना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें आगे और भी पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, मैग्निफिकेशन पढ़ना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेजेस बनाने।
तो अगर ये रे डायग्राम समझ में आते हैं तो फिर आगे इमेज बनाना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो अब की बार हम लोगों ने जो इंसिडेंट रे ली है वो पी पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है। तो हम लोगों ने बोला था कि अगर कोई कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और किसी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन को शो करना है तो जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हो रही वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो ये बिहेव करेगा एक मिरर की तरह। तो इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया हो और ये कैसे बिहेव करेगा प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो लाइन है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। तो इंसिडेंट एंगल थीटा हो गया। तो अब सीधा सीधा रिफ्लेक्शन का लॉ लिखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब इस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो ऐसे जाएगी और उसका जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल भी कितना होगा, वो भी थीटा आ रहा होगा। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो हम लोगों के चार पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट था कि अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पर इंसिडेंट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस जो कि नॉर्मल है, प्रिंसिपल एक्सिस से एक तरफ जितना भी एंगल बनाएगी रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी तरफ भी उतना ही एंगल बनाएगी। अब इन चार पॉइंट्स को अगर हम लोग याद रखेंगे तो फिर हम लोग रे डायग्राम को अच्छे से बना सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। पहला पॉइंट कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कहां से जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। जो रे फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए। जो रे सेंटर से पास करेगी वापस रिफ्लेक्शन के बाद फिर से वो सेंटर से पास करेगी, मतलब अपने पाथ को रिपीट करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। और लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई इंसिडेंट रे सीधे पोल पर इंसिडेंट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से उसने जितना भी एंगल बनाया होगा रिफ्लेक्टेड रे भी दूसरी तरफ प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाएगी। तो ये रे डायग्राम बनाने में कुछ हेल्पफुल बातें हो गई, राइट। अब इसकी हेल्प से हम लोग अब पॉइंट ऑब्जेक्ट के इमेजेस बनाते हैं इन रे डायग्राम्स की हेल्प से। इन जो मैंने चार पॉइंट सिखाए तुम्हें, इन चार पॉइंट का यूज करके प्रैक्टिस करते कि कैसे किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होगा। एक चीज और नोटिस करते हैं कि जितने चार केसेस हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। जैसे मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि हम लोगों के पास एक कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया, यहां पर इसका सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। तो अगर हम लोगों ने बात करी थी कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती थी, फोकस से पास करती थी। तो यहां पर हम लोग एक बात को जस्टिफाई करते हैं कि क्या हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ वैलिड है। तो जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो लाइन कहां से पास करेगी, वो लाइन सेंटर से जाएगी, क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी वो सर्किल या स्फीयर के सेंटर से पास करेगी। इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया उसको थीटा नॉट मान लेते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, थीटा नॉट होगा। इसका मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड होगा। तो जब कभी पैरेलल रे की बात करेंगे तो सेंटर से एक रे पास कराएंगे, वो कैसे बिहेव करेगा, इस इंसिडेंट रे के लिए वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। नॉर्मल से इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगी उतने ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी। दूसरी बात जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी, कुछ नया नहीं किया था, इसी का जो पाथ था उसको रिवर्स कर दिया था कि अब की बार जो इंसिडेंट रे वो फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब की बार ये इंसिडेंट एंगल होगा और ये वाला रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। फिर हम लोगों ने अगला जो पार्ट डिस्कस किया था वो भी जस्टिफाइड था कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है और ये इसका सेंटर है, तो कोई रे अगर सेंटर से सीधे पास करती है इसका मतलब वो नॉर्मल इंसिडेंस है, वो नॉर्मल के अलोंग जा रही है, नॉर्मल के अलोंग जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। तो ये बात भी रिफ्लेक्शन के लॉस से जस्टिफाइड है। फिर हम लोगों ने जो अगला पार्ट डिस्कस किया था, और वो ये कौन कितने पार्ट हो गए, तीन पार्ट हो गए। पैरेलल आई तो फोकस से गई, फोकस से आई तो पैरेलल गई, और अगर नॉर्मली आई तो नॉर्मली वापस चली गई,
और जो लास्ट पार्ट डिस्कस किया था उसमें तो सीधे सीधे बात लिख दी गई थी कि अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट होती है तो ऐसे जाएगी, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हर जगह एक चीज का हमें ख्याल रखना है कि रिफ्लेक्शन का एक सिंपल सा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और वो सारी सिचुएशंस में वैलिड होगा जब तक बात रिफ्लेक्शन की होगी। अब स्टार्ट करते हैं कि हम इमेजेस कैसे बनाते हैं। अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो उस कॉनकेव मिरर से सबसे पहले सीखते इमेजेस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। तो जो पहला डिस्कशन होगा वो होगा इमेजेस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, और हम लोग जो बात कर रहे हैं वो केवल फिलहाल कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर जब पूरा डिस्कस कर लेंगे इसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे आएंगे। एक और बात, हम लोग फिलहाल रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए बात कर रहे हैं, इमेजेस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और वो जो ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे रियल थे। बाद में डिस्कस करूंगा कुछ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो फिलहाल हम लोग रियल ऑब्जेक्ट्स की केवल बात करते हैं, और उन रियल पॉइंट और केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि उनका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। अब सपोज हम लोगों ने कॉनकेव मिरर ले लिया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसका यहां पर सेंटर, अब सेंटर को मैं लिख देता हूं 2f से, क्योंकि फोकस तक की जो भी डिस्टेंस होती सेंटर तक की डिस्टेंस उससे डबल आती। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा था इधर, ये हम लोगों का पॉइंट ऑब्जेक्ट था, और जो पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो इनफाइनाइट है, मतलब इस मिरर से पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है। तो मैंने सर जस्ट पिछले लेक्चर में एक बात डिस्कस करी थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर बहुत दूर चले जाओगे तो जो भी रेज उसकी पास पास दिखाई देंगी वो सारी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। इसका मतलब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो भी रेज इस मिरर पर पड़ रही होंगी जब तक वो इस मिरर पर पहुंचेंगी तो वो सारी रेज हमें कैसी दिखाई देंगी, पैरेलल दिखाई देंगी। अभी ऑब्जेक्ट कोई पास में तो रखा नहीं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट से जो रेज इस मिरर तक पहुंचेंगी आकर के, तो जब इस मिरर पर पहुंचेंगी तो सारी कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। हम लोगों लेक्चर 3 के स्टार्टिंग में पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमें पता है कि जितनी भी पैरेलल रेज होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर से, फोकस से पास करती है। तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये सारी रेज कहां से पास करेंगी, ये सारी रेज फोकस से पास करेंगे इस तरीके से, ऐसे। अब जो फाइनल रेज हमें दिखाई दे रही वो इस ऑब्जेक्ट से आती नहीं दिखाई दे रही, वो इस पॉइंट से आती दिखाई दे रही। इसका मतलब जहां से हमें ये रेज आती हुई दिखाई देती है हमारे लिए ऑब्जेक्ट वही हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन कुछ और थी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पोजीशन आ गई वो कौन सी पोजीशन आ गई, इमेज की पोजीशन आ गई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कॉनकेव मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो किधर होगा, फोकस। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। एक और बात, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो रियली इसी पॉइंट से आती दिखाई दे रही, तो जब किसी पॉइंट से रियली इमर्ज हो रही हो, डाइवर्ज हो रही हो, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज कैसा बनेगा, वो इमेज बनेगा रियल। तो एक बात यहां से क्लियर हो गई कि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, वो पॉइंट इमेज बनेगी और वो मिरर के फोकस पर बनेगी आकर के। अब जैसे हम लोग और पोजीशन चूज करते, अब अगला ये पहला केस था, दूसरा केस देखते हैं। तो ये हम लोगों का कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसे बोल सकते हैं पोल, यहां पर इसका सेंटर और यहां पर इसका फोकस।
हम लोग अगर बात करते कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पर ही रखा होता, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग यहां पर रख देते इस जगह पर, अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रख दिया, इसी को बोलते हैं 2F पर रख दिया। तो ऑब्जेक्ट से रेज इस मिरर पर इंसिडेंट हुई, ऐसे ऑब्जेक्ट से रेज चलेंगी, मिरर पर इंसिडेंट होंगी, फिर उनका रिफ्लेक्शन होगा, फिर जहां से वो जाती दिखाई देंगी वही हमारे इमेज की पोजीशन होगी। तो हम लोगों ने एक थर्ड लॉ पढ़ा था कि अगर कोई रे सेंटर से पास कर रही तो नॉर्मली जा रही, और अगर वो नॉर्मली जा रही तो उस रे को फिर नॉर्मली वापस भी आना होगा। इसका मतलब ये सारी रेज अपने पाथ को रिट्रेस करेंगे। तो ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ जाएगी, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे वो रे ऐसे आ जाएगी, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ जाएगी। कुल मिलाकर के जितनी भी रेज इंसिडेंट हुई है वो सारी रेज अपने पाथ को रिट्रेस कर देंगी, और अपने पाथ को अगर रिट्रेस कर देंगी तो यहां से एक बात क्लियर हो गई है कि जब रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो चुका होगा तो फाइनल रेज हमें इस वाले पॉइंट से आती दिखाई देंगी, और इस वाले पॉइंट से अगर आती दिखाई देंगी तो इस पॉइंट पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। ऑब्जेक्ट कहां रखा था? सेंटर पर। इमेज भी कहां बना? सेंटर पर बना। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखा होगा तो उसका इमेज भी कहां पर बनेगा? सेंटर पर। और यह बात याद रखने की जरूरत है कि हम लोग केवल अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए बात कर रहे हैं और रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर एक रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सेंटर पर रखा होगा तो उसकी रियल इमेज उसी जगह बन जाएगी। कहां पर? सेंटर पर बन जाएगी। सेंटर को हम लोग बोल देते हैं 2F। तो 2F पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट उसकी इमेज भी कहां पर बनेगी? वो भी 2F पर बनेगी। अब देखते हैं कि इनफाइनाइट का इमेज तो पता चल गया, इनफाइनाइट का इमेज बना था फोकस पर, और जो 2F पर ऑब्जेक्ट रखा था उसका इमेज 2F पर बन गया। तो अब चेक करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2F के बीच में रखा है, इफ ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। इफ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F एंड इंफिनिटी, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग 2F और इंफिनिटी के बीच में रखते हैं तो चेक करते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा। तो ये हम लोगों का कॉनकेव मिरर हो गया, उभरा हुआ साइड पॉलिश्ड है, दबा हुआ साइड रिफ्लेक्टिंग है। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं? इसको पोल, यहां पर सेंटर, और सेंटर को लिख देते हैं 2F, और सेंटर और पोल के बीचों बीच क्या लाई करेगा? प्रिंसिपल फोकस लाई करेगा। तो अब की बार हम लोग जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहां पर रखा है, दिस इज ऑब्जेक्ट O। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग O से लिख दिया करेंगे। अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी और 2F के बीच में। अभी अब साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो ये पता चलने करेंगे कि इस साइड की इन्फिनिटी को बोलते हैं निगेटिव इन्फिनिटी, और इधर की जो इन्फिनिटी होती है वो पॉजिटिव। तो वो अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट में माइनस इनफाइनाइट और 2F के बीच में रखा हुआ है। तो अभी फिलहाल बोल सकते हो कि इनफाइनाइट और 2F के बीच मतलब किसी रियल डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इसका हमें इमेज बनाना है। तो इस ऑब्जेक्ट से कोई रे चलाते हैं इस मिरर पर जाकर के ऐसे पड़ गई, तो ये कौन सी रे थी? ये थी इंसिडेंट रे। अब यहां पर इंसिडेंट हुई तो यहां पर नॉर्मल डिफाइन करते हैं। नॉर्मल हमें पता है, नॉर्मल तो सेंटर से पास करेगा ना, तो ये वाली जो लाइन है उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाया दैट इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्शन का सिंपल सा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो रिफ्लेक्टेड रे पक्का फिर ऐसे कहीं से जा रही होगी। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक बात याद रखने की जरूरत है और उसको ध्यान से सुनना कि अगर कोई रे पैरेलल आती तो वो कहां से जाती, फोकस से जाती, ऐसे। इस बात को बहुत गौर से सुनना, अगर कोई रे पैरेलल आती तो कहां से जाती, फोकस से जाती। तो पैरेलल जो इंसिडेंट रे थी उसने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया और वो एंगल मैंने मान लिया थीटा नॉट। तो जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो फोकस से गई थी तो उसने भी कितना एंगल बनाया होगा, वो भी तो थीटा नॉट होगा। जो रे, ये रेफरेंस रे केवल हमारे लिए, ये रे हमारी काफी हेल्प करेगी जब हम लोग इमेज के फॉर्मेशन करेंगे। इसको थोड़ा सा और मोटा बना देता हूं, तो मैं सिर्फ इसको एक रेफरेंस रे की तरह ट्रीट कर रहा हूं। और इस बात को बच्चों बहुत गौर से सुनने की जरूरत है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रे फोकस से ही जाएगी, और जो सेंटर से लाइन पास करती इसी लाइन को हम लोग बोलते नॉर्मल। तो फिलहाल जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी उसका नॉर्मल के साथ एंगल हम लोगों ने मान लिया थीटा नॉट, और यही हमारे लिए इंसिडेंट एंगल है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा है तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा नॉट ही होगा। इंसिडेंस एंगल थीटा नॉट है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा नॉट। अब वापस आते हैं अपनी रे पर, जो रे हम लोगों ने इंसिडेंट कराई थी, तो हम लोगों ने जो रे इंसिडेंट कराई थी वो रे तो ये वाली थी ना, ये वाली, लेकिन उसने जो एंगल बनाया था इंसिडेंस वो तो थोड़ा सा छोटा था। जो पैरेलल रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो थीटा नॉट है, और जो ऑब्जेक्ट्स की रे आ रही, तो ऑब्जेक्ट की रे आ रही तो उसका एंगल तो कम है। तो अगर इस वाली रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होगा, किससे, थीटा नॉट से। यहां पर हम लोग बोल सकते हैं थीटा इज लेस देन थीटा नॉट। तो थीटा नॉट वाली रे तो इधर से जा रही थी, इसका मतलब जो ये वाली रे रिफ्लेक्ट होगी वो तो कुछ ऐसे जाएगी इस तरीके से, और ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f और इंफिनिटी के बीच में रखा हुआ है तो उससे जाने वाली रे का रिफ्लेक्शन होगा, और वो रे हमेशा 2f और f के बीच से पास करेगी। ये बात एकदम रटी होनी चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए कि कोई रियल ऑब्जेक्ट अगर 2f के बियॉन्ड रखा हुआ है और रियल पोजीशन पर रखा हुआ है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो भी रे जाएगी वो बिल्कुल कहां से जाएगी, 2f और फोकस के बीच से जाएगी। बट हमें इमेज बनाना होता है तो एटलीस्ट दो रेज की जरूरत पड़ती है। तो अभी तो हमारे पास केवल एक ही रे थी ना, तो एक रे जो मैंने वो ले सकते हो। तो सबसे कन्वीनियंट मुझे यही लग रहा है कि इस पॉइंट से जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रेज आ रही है ये तो नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, तो नॉर्मल भी यही था, इंसिडेंट रे भी यही थी, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी के लॉन्ग वापस आएगी। एक रिफ्लेक्टेड रे ये थी और एक रिफ्लेक्टेड ये रे यहां पर आ गई। इसका मतलब ये दोनों रेज कहां से आती दिखाई दे रही, इस पोजीशन से, और जहां से आती दिखाई दे रही इसी को हम लोग बोलेंगे कि दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज। तो एक बात और समझ में आ गई, और वो बात समझ में आ गई कि अगर हमारा रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड रखा हुआ है, 2f के पीछे रखा हुआ है, तो उस केस में उसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस और 2f के बीच से बनेगी। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा दिमाग को और स्ट्रेस दो, थोड़ा सा देना, तो पूरा का पूरा पैटर्न नहीं समझ में आ जाएगा। तो आर यू रेडी, बहुत डिफिकल्ट बात नहीं बोलना, लेकिन अगर उस पैटर्न को समझ लोगे तो पूरी रे ऑप्टिक समझ में आ गई रिफ्लेक्शन की। अब जैसे मैं क्या करता कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मैं लेफ्ट राइट शिफ्ट करता, मैंने बोला ध्यान से सुनने की जरूरत है, ऑब्जेक्ट ओ था, ये वाली इंसिडेंट रे थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा था। मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल करता, और वो सवाल था कि इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं और पीछे ले जाता तो क्या होता। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं और पीछे ले जाता तो इंसिडेंट रे ऐसे आते, तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाता, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाता है, ऑफ कोर्स बढ़ जाता, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता, यस, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कैसे होंगे, सेम आ रहे होंगे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ गया तो पहले तो रे ऐसे जा रही थी और एंगल बढ़ाना इसका मतलब रे ऐसे जाएगी, तो इमेज किधर शिफ्ट होगी, राइट साइड पर, मतलब
फोकस की तरफ। एक बात क्लियर होगी, अगर मैं ऑब्जेक्ट को दूर लेता चला जाऊं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो इमेज किधर शिफ्ट करेगी, फोकस की तरफ शिफ्ट करेगी। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा करके बहुत दूर ले गया, मतलब इन्फिनिटी पर, तो इससे आने वाली रे हो जाएगी पैरेलल, और पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, फोकस से। अब यहां से एक बात समझ में आ गई होगी, अगर हम लोगों का पॉइंट ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पर है, उसका इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पर। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, वो इमेज बनेगा फोकस पर। जो बात मैंने बोली थी ना समझ में आई हो तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके दोबारा से देख लेना। यहां पर इसका 2F था जिसको सेंटर बोलते हैं, बीचों बीच फोकस था, यहां पर पोल था, जो रे पैरेलल आती वो कहां से जाती है, फोकस से जाती है, और 2F से जो लाइन जाती है वो नॉर्मल है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आती है कि अगर इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बनेगा, और यहां पर रख देंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस घटा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी घटा, इसका मतलब इमेज यहां पर बनेगी। इट मींस अगर ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट पर है तो उसकी इमेज फोकस पर बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट 2F पर है, सेंटर पर है, तो उसकी इमेज भी सेंटर पर बनेगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर माइनस इनफाइनाइट से सेंटर की तरफ चलने लगे तो उसकी इमेज फोकस से सेंटर की तरफ मूव करने लगेगी। तो हम लोगों के पास एक पूरा रीजन था जहां के इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गए। वो रीजन कौन सा था, वो रीजन था माइनस इन्फिनिटी से लेकर के सेंटर तक का रीजन। अब मैंने बोला था कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, वो जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली कि वो पकड़ में आ गई तो अगले पार्ट भी हमारे लिए बिल्कुल सिंपल हो रहे होंगे, राइट। अब बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 2F के और अंदर चला गया तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट 2F के अंदर चला गया तो क्या होगा। ये मिरर है, कौन सा, कॉनकेव। क्यों, क्योंकि उभरे पार्ट को पॉलिश कर दिया और दबे हुए पार्ट को रिफ्लेक्टिंग बना दिया। एक्चुअली ये कॉनकेव साइड ही कहलाती है। इस पॉइंट को क्या बोलते, पोल बोलते। इसका अपना सेंटर लाई करेगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं 2F, या इसको चाहो तो सेंटर भी बोल सकते हो। सेंटर और पोल के बीचों बीच सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लाई करता है, दैट इज कॉल्ड फोकस। अब हम लोग कंसर्न है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में रखा होगा तो क्या होगा। तो मैंने बोला रेफरेंस रे वही है, अगर कोई रे फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इस पॉइंट को अगर सेंटर से मिला देते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा नॉट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा नॉट दोनों सेम आएंगे। ये बात मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाई है, इसको रेफरेंस मान करके मैं और सारे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाऊंगा। तो मैंने अब की बार अपना ऑब्जेक्ट लिया और वो यहां पर रख दिया। नाउ अवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F, तो इससे यहां पर एक रे पहुंची। अब सीख चुके हो कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वैसे ये वाली लाइन कौन सी थी, दिस वॉज नॉर्मल, इस पॉइंट का नॉर्मल यही है। जो फोकस से जा रही थी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, थीटा नॉट। तो जो ऑब्जेक्ट से जा रही उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मुझे कुछ कम दिखाई दे रहा है, यस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है रे का जो ऑब्जेक्ट से जा रही, और वो थीटा नॉट से कब, थीटा नॉट मैंने सिर्फ एक रेफरेंस वैल्यू लिए ताकि मैं बाकी सारे इमेज बना सकूं। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा नॉट से कम है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो थीटा नॉट से कम होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर थीटा नॉट होता तो ऐसे जाती, उससे कम है, इसका मतलब रे ऐसे जाएगी इस तरीके से, और नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनेगा वो थीटा, और थीटा इसलिए क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम,
लेकिन एक इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज की जरूरत पड़ती है, तो सबसे कोई भी ले सकते हो, लेकिन यूजुअली हम लोग कौन सी लेंगे, वो रे लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इस मिरर पर पड़ी जा करके, क्योंकि ये नॉर्मली पड़ी थी तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो था, तो नॉर्मली वापस आएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे कुछ ऐसे जा रही होगी। कुल मिलाकर के हम लोगों ने जो दो रेज ली थी, एक ये वाली और एक ये वाली, रिफ्लेक्शन के बाद वो दोनों रेज इस पॉइंट से आती दिखाई दे रहे हैं, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी पॉइंट को बोलेंगे इमेज। इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज की जरूरत होती है। तो क्या इतनी बात क्लियरली समझ में आ गई? तो एक बात समझ में आ गया कि अगर हम लोगों का ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट एफ और टू एफ के बीच में रखा होगा, तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो टू एफ के पीछे होगा। अब यहां से फिर मैं बोलता हूं, अपने दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रेस दो, और जब तक अगर ये बात ना समझ में आए तो बार बार इसको रिप्ले करके फिर देखना, क्योंकि ये बाय पैटर्न अगर समझ में आ गया तो रिफ्लेक्शन सारा समझ में आ गया। अब मैं तुमसे एक पैटर्न पूछता है कि मेरा ऑब्जेक्ट टू एफ और एफ के बीच में, मेरा सवाल ऑब्जेक्ट अगर मैं और आगे रख दूं राइट साइड पर, तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा, क्योंकि इंसिडेंट रे फिर ऐसी हो जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी हो जाएगी। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे अगर ऐसी होगी तो इमेज पीछे जा रहा होगा। इट मींस, मैंने बोला था इस बात को बहुत गौर से समझना, एक बार फिर स्ट्रेस करना, कि मैंने अपना ऑब्जेक्ट जहां भी रखा हुआ है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को और आगे खिसका देता तो ये वाली रे तो ऐसे घूम जाती ना, अब ऐसे जाती, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता, तो रे कुछ ऐसे जाती। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट टू एफ से, मतलब सेंटर से फोकस की तरफ मूव कराओगे तो उसका इमेज पीछे की तरफ भागेगा, और जैसे ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा फोकस पर उसकी इमेज और पीछे चली जाएगी। एक चीज और क्लियर हो गई, क्या? कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट टू एफ और एफ के बीच में रखा हुआ है तो उस केस में इमेज टू एफ के पीछे बनेगी, और ऑब्जेक्ट टू एफ से अगर एफ की तरफ शिफ्ट कराओगे तो उसकी इमेज भी पीछे की तरफ शिफ्ट होगी। अब बात आती है कि अगर ऑब्जेक्ट को पहुंचाते पहुंचाते हम लोग फोकस पर पहुंचा दें तो क्या होगा? अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोगों ने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर ले लिया, जो सरफेस उभरा हुआ था उसको पॉलिश कर दिया, और जो दूसरा दबा हुआ पार्ट था वो रिफ्लेक्टिंग था, इसीलिए इसका नाम था कॉनकेव मिरर, और चूंकि रेज को कन्वर्ज करता है इसीलिए इसको कभी कभी कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसका हम लोग डिफाइन करते हैं सेंटर, सेंटर का मतलब 2F, इसका डिफाइन करते हैं पोल, और पोल और सेंटर के बीचों बीच इसका फोकस लाई करेगा। अब बात आती है कि अगर हम लोग अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट फोकस पर ही रख दें ओ, तो क्या होगा? तो हमें पता है इससे जो रेज आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, यहां से रे जाएगी तो ऐसे जाएगी। हम लोगों ने चार रूल्स पढ़े थे, उनमें से सबसे एक रूल ये भी था कि फोकस से पास करने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इसका मतलब जितनी भी रेज इस मिरर पर इस फोकस से पास करके पड़ेंगी वो सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए, और पैरेलल रेज है तो कहां मीट करेंगी जाकर के, इंफिनिटी पर मीट करेंगे। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, इंफिनिटी पर बनेगा। मतलब हम लोगों ने फोकस और उसके पहले के जितने पोजीशंस थे उन सारे पोजीशंस पर हम लोगों ने अपने इमेजेस बना लिए। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट बहुत पीछे रखा है माइनस इनफाइनाइट पर तो इमेज कहां बना था, फोकस पर। ऑब्जेक्ट सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर रखा था तो इमेज बना था सेंटर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पर रखा था तो इमेज भी कहां पर बना था, सेंटर पर बना था। ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में था तो इमेज बना था सेंटर और इंफिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट पहुंच गया फोकस पर तो इमेज पहुंच गया इंफिनिटी पर। अब जो अगला डिस्कशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
अभी तक अगर हम लोग नोटिस करें तो सारी इमेजेस बनी थी रियल। अगर सारे रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें रे किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई देने लगे रियली, तो इन इमेजेस को हम लोग बोलते रियल इमेजेस। अभी तक जितने भी केसेस आज हम लोगों ने पढ़े, उन केसेस में जितने रिफ्लेक्शन हुए थे, लास्ट में जो रेज आ रही थी किसी रियल पॉइंट से होकर के आ रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि जो इमेज बने थे वो सारे कैसे थे, रियल थे। अब जो अगला लेक्चर होगा वहां पर मैं बात करूंगा कि वर्चुअल इमेजेस, एक्चुअली जब हम लोग फोकस और पोल के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस केस में रेज किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई नहीं देंगी, अपीयर होंगी, एक्चुअली उस पॉइंट से नहीं आ रही होंगी, तो वो कॉन्सेप्ट होगा वर्चुअल इमेजेस का। तो अगला जो लेक्चर है उस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्चुअल इमेजेस क्या थी, और फिर कंपेयर करेंगे, तब प्रॉपरली देखेंगे कि रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है।